अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल सैद फ़ार्मेसी व्यूअर्स कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ सैदा फ़ार्मेसी के तमाम यूट्यूब यूट्यूबर्स करिए से होंगे फ़र्स्ट क्लास होंगे ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के शुक्र से मैं भी ठीक ठाक हूँ व्यूअर्स आज की वीडियो में मैं आपको बारिमॉक्स टेबलेट के बारे में बताऊँगी आपको बताया गया जाएगा बारीमॉक्स टेबलेट को किन किन कन्डिशन में इस्तेमाल किया जाता है इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं इसका तरीका इस्तेमाल क्या है इसकी फार्मूलेशन क्या है इसकी कीमत क्या है और वो कौन से लोग हैं जो बारीमॉक्स टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते मुकम्मल इंफॉमेशन के लिए ज़रूरी है वीडियो पूरी देखें ताकि कोई भी इन्फॉमेशन स्किप ना हो लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से यदा फार्मेसी को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकान के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेडिसन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बर वक्त आपको मिल सके बारीमॉक्स टैबलेट चार सौ एम जी का मुकम्मल रिव्यू जो एक ब्राड स्पेक्टिक एंटीबायोटिक है जो हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसा कि नजला ज़ुकाम बुखार खांसी यू टी आई प्रॉब्लम के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है अब अभी आइए अब बात करते हैं बरीमॉक्स टेबलेट की कीमत की तो इसके एक पैक में पाँच टैबलेट होती हैं और इसकी कीमत चार सौ पचास रुपये है ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी स्टोर से बास आने में मिल जाएगी व्यवर्स आइए अब बात करते हैं बारीमोक्स टेबलेट की फार्मोलेशन की तो इसकी फार्मोलेशन में मॉक्सीफ्लोक्सासिन चार सौ एम जी होता है और ये दो सौ एम जी की स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है आइए अब बात करते हैं बरीमॉक्स टैबलेट का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की तो ये टैबलेट आप दिन में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं यानी एक टैबलेट सुबह और दूसरी शाम याद रहे टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है व्यवर्स बात करते हैं बारीमोक्स टॉबल टेबलेट को किन किन कन्डिशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं बीमॉक्स टैबलेट एक ब्रॉड ब्राड्स एंटीबायोटिक है जो हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकती है अगर आपको खांसी है नज़ला है ज़ुकाम है तो इस कंडीशन में बारीमॉक्स टेबलेट बहुत मुफीद है अगर आपको बुखार है नमोनिया है टाइफाइड है तो इस कंडीशन में भी बेमाक्स टेबलेट बहुत मुफीद है इसके अलावा इसके इस्तेमाल से पुराने से पुराना बुखार भी ख़त्म हो जाएगा अगर आपके गले में टांसेज वगैरह हैं तो इस कंडीशन में भी बेमार्क्स टेबलेट बहुत ही मुफीद है अगर आपकी पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन है तो इस कंडीशन में भी बारीमाक्स टेबलेट बहुत मुफीद है अगर आपको गनोरिया यानी सुजाक की एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशाब करते वक्त जलन महसूस होती है और दर्द महसूस होती है तो इस कंडीशन में भी बारीमाक्स टेबलेट बहुत मुफीद है अगर आपके तोलीदी एज़ा में इन्फेक्शन है तो इस कंडीशन में भी बारीमार्क्स टेबलेट बहुत मुफीद है अगर फीमेल्स में माहवारी के दौरान होने वाले दर्द या ब्लीडिंग मेल की सूरत में भी बारीमार्क्स टेबलेट बहुत मुफीद है अगर आपकी स्किन पर किसी किस्म के रैशेज़ हैं तो इस कंडीशन में भी बारीमार्क्स टेबलेट बहुत मुफीद है अगर आपके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है तो इस कंडीशन में भी बारीमार्क्स टेबलेट बेहद मुफीद है अगर आपकी हड्डियों या जोड़ों में दर्द है तो इस कंडीशन में भी बारीमार्क्स टेबलेट बहुत मुफीद है सर्जरी के बाद टाकों को खुशक करने के लिए बारीमाक्स टेबलेट बहुत मुफीद है इन शॉर्ट बारीमार्क्स टेबलेट हर किस्म के नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार यू टी आई प्रॉब्लम के लिए बहुत मुफीद टेबलेट है व्यूर्स फायदों तो हम जान चुके हैं आइए अब बात करते हैं बारीमास टेबलेट के नुकसान की तो इसके इस्तेमाल से कुछ कॉमन से नुकसान हो सकते हैं जैसा कि आपको नोजिया हो सकता है आपको उल्टी आ सकती है आपका मैदाप सेट हो सकता है आपको चक्कर आ सकते हैं व्यवर्स आइए अब बात करते हैं वो कौन से लोग हैं जो बारीमाक्स टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसे लोग जिनको बरीमॉक्स टेबलेट के किसी भी अजा से एलर्जी है वो इस टेबलेट का इस्तेमाल हर ना करें जिगर वाले मरीज़ इसका इस्तेमाल हर ना करें प्रेग्नेंट खातन और ब्रेस्ट फीडिंग खातन इसका इस्तेमाल हर ना करें व्यूअर्स ये था बरीमोक्स टेबलेट का मुकम्मल रिव्यू उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देंगे और न्यू इन्फॉमेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल सैदा फ़ार्मेसी को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेडिसिन से मुतलक इन्फार्मेशन आपको मिलती रहे शुक्रिया मिलते हैं क्रीम वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़